हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिग बॉस 17 प्रोमो नॉमिनेशन स्पेशल, पटजल मुनावर, टारगेट अभी अंकिता, टारगेट मुनावर। तो ये है कि नॉमिनेशन हुआ था, वहाँ की मुनावर को टारगेट किया जा रहा है, अंकिता को टारगेट किया जा रहा है। तो बिग बॉस 17 के एक प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क की झलक दिखाई गई है। इस टास्क में घर वालों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया, कुछ शॉकिंग नॉमिनेशन भी हुए। इन प्रोमो में दिखाया गया है कि मुनावर ने अंकिता को नॉमिनेट किया, ऐश्वर्या ने अंकिता को बदला लेने के लिए नॉमिनेट किया, मराना ने अंकिता को बदला लेने के लिए नॉमिनेट किया, मुनावर ने अभिषेक और ऐश्वर्या को भी नॉमिनेट किया। इस प्रोमो में करीबी दोस्तों मुनावर फारूकी और मराना चोपड़ा के बीच तीखी बहस भी दिखाई दी है। तो सो कॉल्ड बिग बॉस 17 में आप लोग को कौन लगता है, तो कमेंट कीजिए, कौन जीतेगा वो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिग बॉस 17 प्रोमो नॉमिनेशन स्पेशल, पटजल मुनावर, टारगेट अभी अंकिता, टारगेट मुनावर। तो ये है कि नॉमिनेशन हुआ था, वहाँ की मुनावर को टारगेट किया जा रहा है, अंकिता को टारगेट किया जा रहा है। तो बिग बॉस 17 के एक प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क की झलक दिखाई गई है। इस टास्क में घर वालों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया, कुछ शॉकिंग नॉमिनेशन भी हुए। इन प्रोमो में दिखाया गया है कि मुनावर ने अंकिता को नॉमिनेट किया, ऐश्वर्या ने अंकिता को बदला लेने के लिए नॉमिनेट किया, मराना ने अंकिता को बदला लेने के लिए नॉमिनेट किया, मुनावर ने अभिषेक और ऐश्वर्या को भी नॉमिनेट किया। इस प्रोमो में करीबी दोस्तों मुनावर फारूकी और मराना चोपड़ा के बीच तीखी बहस भी दिखाई दी है। तो सो कॉल्ड बिग बॉस 17 में आप लोग को कौन लगता है, तो कमेंट कीजिए, कौन जीतेगा वो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिग बॉस 17 प्रोमो नॉमिनेशन स्पेशल, पटजल मुनावर, टारगेट अभी अंकिता, टारगेट मुनावर। तो ये है कि नॉमिनेशन हुआ था, वहाँ की मुनावर को टारगेट किया जा रहा है, अंकिता को टारगेट किया जा रहा है। तो बिग बॉस 17 के एक प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क की झलक दिखाई गई है। इस टास्क में घर वालों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया, कुछ शॉकिंग नॉमिनेशन भी हुए। इन प्रोमो में दिखाया गया है कि मुनावर ने अंकिता को